गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का एक नया टॉपिक, विलोम शब्द, जो कि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसमें आपको अभ्यास की ज़्यादा जरूरत होती है। आप इनको थोड़ा सा समझें और अभ्यास करें तो आराम से इनको याद कर पाएंगे। सबसे पहले हम विलोम का मतलब समझते हैं। विलोम शब्द का क्या मतलब होता है? विलोम का मतलब होता है बच्चों विरोधी। विलोम का मतलब होता है विरोधी, यानी जो शब्द एक दूसरे के विरोधी विरोधी होते हैं, यानी उल्टे होते हैं, उन्हें कहते हैं विलोम शब्द। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे हम उदाहरण से इनको समझते हैं। चित्र में, पहले चित्र में जैसे एक आपको बड़ा घर दिखाया गया है और एक छोटा घर। बड़ा यानी बहुत बड़ा, और एकदम से हमें छोटा दिखा दिया तो बड़ा का उल्टा क्या हुआ? छोटा। के तो ये इसका विलोम हुआ, उल्टा हुआ। दूसरे चित्र में आपको दो व्यक्तियों के चित्र दिखाए हैं, एक स्वामी है और एक दास। स्वामी कौन होता है? मालिक, और दास उसका सेवक। तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। स्वामी वो मालिक हो गया, वो उसकी सेवा करने वाला। तो ये भी एक दूसरे के विलोम हैं। तीसरे चित्र में आपको गुरु और शिष्य का चित्र दिखाया है। गुरु कौन होता है? पढ़ाने वाला, ज्ञान देने वाला। और शिष्य कौन होता है? ज्ञान को प्राप्त करने वाला। तो ये भी एक दूसरे के उल्टे हुए। एक तो ज्ञान देने वाला है और एक प्राप्त करने वाला। तो ये गुरु और शिष्य, ये भी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अगले चित्र में आपको एक में तो सूर्य निकलता हुआ दिखाया है, यानी दिन हो रहा है, और दूसरे चित्र में अंधेरा हो रहा है, यानी रात्रि हो रही है, उस समय सूरज छुप जाता है। तो ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि दिन में तो उजाला होता है और रात को अंधेरा हो जाता है। ये एक दूसरे के विपरीत है। अगले चित्र में एक आदमी तो कितना मोटा है और दूसरा पतला है, और सेकंड नंबर पर एक आदमी कितना लंबा है और दूसरा ठिगना। तो ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं। इस प्रकार एक दूसरे के विपरीत शब्द या उल्टे शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। अब आपकी पुस्तक में जो विलोम शब्द दिए हुए हैं, मैं उनके बारे में आपको उन बताऊंगी। आप इनको ध्यान से मेरे साथ पढ़ेंगे और याद भी करते जाएंगे, समझते भी जाएंगे और याद भी करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले है अंदर का क्या विलोम शब्द होगा? बाहर। भाई अंदर यानी घर में अंदर की तरफ गए, और फिर बाहर यानी बाहर की तरफ गए, तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, उल्टे हो गए। दूसरा है अंधकार, और उसका विलोम शब्द है प्रकाश। तीसरा अंधेरा, और उसका विलोम शब्द उजाला। यानी दोनों एक ही बात है कि अंधेरा या अंधकार का उल्टा क्या हुआ? प्रकाश या उजाला। अंधकार में हमें कुछ नहीं दिखाई देता और उजाले में एकदम रोशनी आ जाती है। तो ये एक दूसरे के उल्टे हुए। चौथा है अगला। अगला का विलोम शब्द पिछला। अगला यानी हमने कहा बुक का अगला पेज पलटो, यानी आगे वाला, और पिछला यानी पीछे वाला। तो आगे पीछे एक दूसरे के अपोजिट हो गए, विलोम उल्टे हो गए। पांचवा है अच्छा। अच्छा का विलोम शब्द बुरा। छठा है अधिक। अधिक का विलोम शब्द कम। सातवां अधर्म। अधर्म का विलोम शब्द धर्म। ऐसे ही आठवां विलोम शब्द अनाथ। अनाथ का सनाथ। अनाथ यानी जिसका कोई ना हो, कि और सनाथ जिसके माता पिता हो, सब हो। नवा विलोम शब्द है अनिवार्य। अनिवार्य का उल्टा होगा वैकल्पिक। अनिवार्य यानी जरूरी, और वैकल्पिक यानी आपकी इच्छा के अनुसार। दसवां विलोम शब्द है अनुकूल, और अनुकूल का उल्टा हुआ प्रतिकूल। अनुकूल यानी कि जो हमारा ऐसी परिस्थितियां जो हमारे अनुकूल हो, हमारा साथ दे, और प्रतिकूल यानी कुछ हमारे विरोधी हो, जो हमारा साथ ना दे। तो ये भी एक दूसरे के उल्टे हुए। ग्यारहवां विलोम शब्द है अमीर, और अमीर का उल्टा हुआ गरीब। अमीर वो जिसके पास बहुत धन हो, और गरीब जिसके पास कुछ भी बिल्कुल भी धन ना हो, जो निर्धन हो। तो ये भी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। उसके बाद 13वां विलोम शब्द है आगमन, और आगमन का
विलोम हुआ प्रस्थान, आगमन यानी आना और प्रस्थान यानी जाना, तो ये भी एक दूसरे के उल्टे हुए। चौदहवा विलोम है, विलोम शब्द है आगे, आगे का हुआ पीछे। पंद्रहवा विलोम शब्द है आदर, और आदर का उल्टा हुआ अनादर। आदर यानी हम किसी को सम्मान देते हैं, किसी का आदर करते हैं, और अनादर मतलब यानी उसका किसी का अपमान किया हमने, उसका आदर नहीं किया। सोलहवा विलोम शब्द है आदान, और आदान का उल्टा हुआ प्रदान। आदान यानी लेना और प्रदान यानी देना। इसके आगे देखते हैं आदि। आदि का विलोम शब्द क्या हुआ अंत, आनंद, आनंद का शोक। आय का व्यय, आय यानी हमारी जो कोई हम कोई कमाई होती है, और व्यय यानी जो खर्चा हो जाता है। आयात का निर्यात, आयात यानी जब हम कहीं भी हम कुछ मंगवाते हैं, और निर्यात यानी भेजते हैं। आरंभ का अंत, आलस्य का स्फूर्ति, आशा का निराशा, आसमान का जमीन, इच्छा का अनिच्छा, इधर का उधर, इंसान का हैवान, उचित का अनुचित, उचित यानी जो सही हो और अनुचित जो सही ना हो, उठना का बैठना, उतार का चढ़ाव यानी कहीं से कोई चीज उतरती है नीचे उतराए तो उतार, और ऊपर चढ़ने को चढ़ाव। उधार का नकद, सदुपयोग का दुरुपयोग, सदुपयोग यानी अच्छा उपयोग, दुरुपयोग यानी बुरा उपयोग। एक का अनेक, कच्चा का पक्का, कठिन का सरल, कायर का वीर या निडर, कायर यानी जो डरता है, वीर निडर यानी जो बिल्कुल ना डरे। कुपुत्र का सुपुत्र, कुपुत्र ऐसा पुत्र जो जो मतलब बुरे के लिए कहा जाता है, जो बुरे काम करे या अपने खानदान को बदनाम कर दे, और सुपुत्र जो अच्छा पुत्र हो। खत्म का शुरू, खुशबू का बदबू, खुशबू यानी अच्छी गंध, और बदबू यानी बुरी गंध जो किसी को अच्छी नहीं लगती। भीतर का बाहर, जन का मृत्यु, जल का थल, और सेवक का स्वामी, और स्त्री का पुरुष। ठीक है बच्चों, तो आज हमने विलोम शब्द पढ़े, आप इनका अभ्यास करेंगे, इनको याद करेंगे के, और इनको अपनी नोटबुक में भी करेंगे। अगले टॉपिक के साथ, अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। ओके।